हेलो दोस्तों, आज मैं आई हूँ अपने दोस्त के फार्म हाउस पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ देखे कच्चे टमाटर, तो सोचा कि चलो निकाल लेते हैं। आज मैं इसकी कच्चे टमाटर की चटनी बनाने वाली हूँ। तो कच्चे टमाटर की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मूंगफली ली है, साथ ही सफ़ेद वाले तिल, दो हरी मिर्ची और लहसुन। इसे हम जल्दी से रोस्ट कर लेंगे, और जब तक वो सिंगदाना रोस्ट हो रहा है तब तक हम लहसुन भी छील लेते हैं। मिर्ची आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। देखिए कितना ताज़ा है टमाटर, इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और बस इधर सिंगदाना भी रोस्ट हो गया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल ऐड किया है। तेल गरम होते से इसमें थोड़ा आधा चम्मच जीरा, हरी मिर्च और लहसुन डालेंगे। हल्का सा फ्राई होते से हम उसमें टमाटर ऐड कर देंगे। आज मेरा वीडियो बहुत ही हिल रहा है, आई नो, बट मेरा ट्राइपॉड टूट गया है, तो इसलिए मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ के अपना कुकिंग भी कर रही हूँ। और साथ ही इसमें मैंने ऊपर से तिल और भुनी हुई मूंगफली ऐड कर दी है। से अच्छे से चला लेंगे। 1 मिनट के लिए पकाने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया, और हम 2 से 3 मिनट के लिए इसमें स्टीम निकालेंगे, क्योंकि जब तक वो टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम फ्लेम बंद करेंगे और थोड़ा कटा हुआ धनिया उसमें ऐड कर देंगे, और थोड़ा 1 चम्मच मैंने गुड़ ऐड किया है। गुड़ इसलिए ऐड किया कि टमाटर, कच्चे टमाटर थोड़े खट्टे होते हैं, तो इस चटनी में हमें थोड़ा खट्टा, मीठा और तीखा स्वाद आएगा। बड़ी चटपटी सी ये चटनी बनने वाली है। अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे, और ये हमारी ग्राइंड हो गई है। मैं गड़बड़ में थोड़ा सा नमक डालना भूल गई थी, तो ऊपर से मैं नमक ऐड कर रही हूँ, और इसमें हम तड़का भी लगा लेंगे। आप इस चटनी को ज्वारी की भाकरी के साथ खा सकते हैं। गर्मा गर्म ज्वारी की भाकरी और ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू।